हेलो दोस्तों, आज फिर मैं अपनी नई वीडियो डालने जा रहा हूँ आपके अपने चैनल पे जीनियस ऑफ जे पे, एक नए टॉपिक पे, केमिस्ट्री पे आज मैं बनाने जा रहा हूँ, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ब्लैक केमिस्ट्री, और उसे बेसिक से पढ़ाऊंगा, मतलब कि बिल्कुल शुरुआत से जैसे 10th लेवल से, ठीक है, इससे आपको बिल्कुल उसे गहराई में समझ पाए और अच्छे से उस पर आपका वो कमांड बन जाए और आप उसका कोई भी क्वेश्चन आराम से कर पाए उसके बाद, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बाद आराम से। और मतलब कि ये मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने उससे कहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे एक वीडियो बना दो, क्योंकि उसे उसकी केमिस्ट्री थोड़ी वीक ऐसी है। चलिए कोई बात नहीं, वीक नहीं होगी, बन जाएगी सही, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, आप ICSE ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और CBSE में कार्बन एंड कंपाउंड से, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से चैप्टर है, ठीक है, CBSE में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, कोई किसी से मतलब नहीं है, CBSE से ना ICSE से, जो भी पढ़ेगा सबको बराबर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग क्या है, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। पहले हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो आपके, क्योंकि मैं पहले लिख देता हूँ उसके बाद बता देता हूँ, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आपके लिविंग सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। अब एक मिनट और एक चीज, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आपके लिविंग सोर्स से ऑब्टेंड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, सुगर, स्टार्च, ये सब जो आपके प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्टेंड होते हैं, वो सब लिविंग बींग्स है, तो वो लिविंग सोर्स से ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आपके नॉन लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेंड होते हैं, ठीक है, तो वही होते हैं आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे मिनरल मिनरल्स, ठीक है। और एक और चीज, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने देख लिया, अब हम लोग उसके देखेंगे कि हम लोग डायरेक्टली कार्बन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कार्बन क्या होता है, कार्बन का आपको पता है, कार्बन की वो 6 होती है, तो फिर इसका अगर हम लोग के शेल वाइज लिखेंगे तो फिर आपका हो जाएगा 2.4 के और एल, ठीक। तो जो इसका जो आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको इसको चाहिए होंगे 4 शेल होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, या तो वो ये लूज करेंगे या तो गेन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत एनर्जी यूज होगी। इसीलिए कार्बन अपने ऑक्टेट को कम्प्लीट करने के लिए वो हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। तो जब शेयर करता है इसीलिए वो एक चीज फॉलो करता है जो कार्बन की प्रॉपर्टीज में आएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, टेट्रावेलेंसी, ठीक है, वो आगे बताऊंगा, वो भी यही है, बिल्कुल सेम और कुछ नहीं है। तो कैसेट में असर का ये भी मैं बता दूं, 2 इलेक्ट्रॉन हर लाइन में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हर लाइन में बॉन्ड बनाता है, शेयर करता है, बॉन्ड बना के शेयर करता है, ठीक है। तो ऐसे शेयर करता है वो, हाँ, तो फिर ये इसमें शेयर कर दिए, मतलब कि ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन हमेशा, ठीक है। और आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और इनऑर्गेनिक आपका हमेशा वो बनाता है, आपका इनऑर्गेनिक आपका बनाएगा वो आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे आपका जो आएगा वो आएगा कि देखिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैं थोड़ी बहुत बता दे रहा हूँ, मुझे पूरी तो याद है लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मैं बताने में बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक डिजोल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, इसीलिए वो इजिली डिकम्पोज हो जाते हैं हीट में, लेकिन इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो डिकम्पोज नहीं होते हैं हीट में। और आपके जो और आगे कुछ हो गए, जैसे
बॉन्डिंग का देख ले तो हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और भी कई सारी कैरेक्टरिस्टिक है जैसे मैं बिगल आप एक बार बुक से पढ़ लेंगे, 10th क्लास की बुक में दिया 10 होंगे ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं इसको, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई तो नुकसान नहीं होगा ठीक है। तो ऐसे पढ़ने वाइज आपकी नॉलेज वाइज के लिए, नॉलेज के लिए ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, इसके बाद आते हैं कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज। कार्बन की जो प्रॉपर्टीज क्या होती है, कार्बन की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है टेट्रावेलेंसी ठीक है, और एक होता है कैटेनेशन। ये मैं टेट्रावेलेंसी आपका वही था जो मैंने बताया था कि कार्बन का जो वो नंबर होता है 6 होता है, तो के शेल वाइज लिखेंगे 2, 4 लिखेंगे तो वो हमेशा शेयर करता है, ना लूज करता है ना गेन, कुछ नहीं करता, इलेक्ट्रॉन हमेशा शेयर करके अपना ऑक्टेट बनाता है, उसी को कहते हैं हम लोग टेट्रावेलेंसी ठीक है। तो टेट्रावेलेंसी जो मैंने पहले ही बता दिया था, और आपका कैटेनेशन कुछ नहीं होता, सेल्फ लिंकेज होता है, सेल्फ लिंकिंग या लिंकेज कुछ भी कह सकते हैं ठीक है, सेल्फ लिंकिंग होता है, मतलब कि हमेशा जो कार्बन का जो है ऐसे सेल्फ लिंक करके कार्बन एक लॉन्ग चेन बना लेती है, यही कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। कैसे बनाया जा रहा, ऐसे लिंक करता है कार्बन का एक, तो दूसरे कार्बन से लिंक करता है, तो तीसरे से, चौथे से, फिर पांचवे से, छठे से, सातवें से, ऐसे ऐसे लिंक करके खूब लंबी चेन बनाता जाता है, यही होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी, जो कार्बन का जो सिंबल है वो ऐसे लिंक कर करके हमेशा बनाता जाता है ठीक, तो खूब लंबी चेन बनाता जाता है, यही होती है कैटेनेशन प्रॉपर्टी ठीक है। ये सब छोटी बातें थी कि आपने तो देख ली, एक वाची में बता दे रहा हूँ कि स्टेट चेन क्या होती, ब्रांड चेन क्या होती, साइक्लिंग चेन क्या होती, स्टेट चेन आपकी कुछ नहीं थी जो मैंने बनाई यही थी स्टेट चेन, स्ट्रेट चेन ठीक है, स्ट्रेट चेन में ये हो गया आपका स्ट्रेट चेन ठीक, आपका आ गया ब्रांच, ब्रांच चेन, ये जो स्टेट चेन ब्रांच है ये सब कैटेनेशन की वजह से आती है, क्योंकि कैटेनेशन वो सेल्फ लिंकिंग करता ही जाता है और चेन बनाता ही जाता है, इसलिए कभी कभी स्टेट चेन बन जाती है, कभी ब्रांच चेन बन जाती है, और कभी कभी साइक्लिंग चेन बन जाती है, और कभी कभी क्लोज चेन बन जाती है, पूरी क्लोज हो जाती है ठीक है। ब्रांच हो गई आपकी ये इसके नीचे बना रखा गया ठीक है, ये ब्रांच हो गई, ये ब्रांच टाइप चेन बन गई ठीक है, और साइक्लिंग बना दे रहा हूँ, कार्बन हमेशा चार लोगों से कनेक्ट होता है ये याद रखिएगा, कभी ये ना कहिए कि तीन से कर दिया दो से कर दिया, हमेशा चार से कनेक्ट होता है, इसीलिए को वैलेंट बनाता। चलिए बेसिक चीज कंप्लीट हो गई 10th वाले बच्चों के लिए, और 10th वाले बच्चों के लिए अभी आगे बहुत कुछ है, बेसिक था 11th में तो कुछ नहीं पढ़ना था ऐसा, सबको पता ही होता है 10th वाइस वगैरह बेसिक की वजह से बता दिया। तो आगे देखते हैं, इसके बाद आपका आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, तो हम लोगों का सीधे मेन चीज पढ़नी है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन एलिमेंट एंड इट्स डेरिवेटिव्स ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं वो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन जो हम लोग पढ़ेंगे वर्ड रूट सॉफिक्स प्रीफिक्स ठीक है, ये तीन चीज पढ़ेंगे, पहले हम लोग वर्ड रूट देखते हैं, फिर उसका सॉफिक्स देखेंगे, उसके बाद फिर प्रीफिक्स देखेंगे। वर्ड रूट का क्या होता है, थोड़ा पढ़ा लिख दो पता चला आप लोग क्या है, पता नहीं कैसा लिखता है, राइटिंग गंदी है लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सही हो जाएगी, जैसे आपकी धीरे धीरे केमिस्ट्री सही हो जाएगी वैसे मेरी धीरे धीरे राइटिंग सही हो जाएगी, लिखते लिखते मोटा पेन है ना इसीलिए गलत हो रही है, केमिस्ट्री जैसी है आपकी वैसी मेरी राइटिंग है, बस ये समझ लीजिए। पहला होता है एक कार्बन के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वो होता है मिथ, एक कार्बन के लिए वो हमेशा मिथ होता है ठीक है,
सेकेंड कार्बन, अगर दो कार्बन आइटम है तो हम लोग यूज करते हैं इथर, वो दो कार्बन आइटम के लिए यूज होता है इथर, ठीक है। सारे नहीं बनाऊंगा, लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप चार कार्बन आइटम, तीन कार्बन आइटम के लिए यूज करते हैं तो वो होता है प्रो, तीन कार्बन आइटम के लिए, तीन कार्बन आइटम हो तो आप प्रॉप लिखेंगे उसके लिए वर्ड ग्रुप पर, ठीक है। यहां भी बताऊंगा कहां लिखने हैं, ये भी बताऊंगा। फिर आता है ब्यूट, चार कार्बन आइटम के लिए हमेशा ब्यूट होता है, अगर यहाँ चार कार्बन आइटम होते हैं तो आप ब्यूट लिखते हैं, ठीक है। पांच कार्बन आइटम है तो आप लिखेंगे पेंट, और अगर छह कार्बन आइटम है तो आप लिखेंगे हैक्स, और अगर सात कार्बन आइटम है तो आप लिखेंगे हैप, ठीक है। यहाँ आप नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ। आठवां जो होगा ऑक्ट होगा, और नवा जो होगा वो होगा नॉन, और टेंथ दस कार्बन आइटम के लिए आप लिखेंगे डेक, इसके आगे भी बताया दे रहा हूँ। ग्यारह कार्बन आइटम के लिखेंगे आप अनडेक, ये बताया दे रहा हूँ, वैसे ज्यादा यूज भी नहीं आता अनडेक डू डेक, ठीक है, तभी बताया दे रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए डू डेक, ठीक है। दस बारह कार्बन आइटम के लिए आप डू डेक लिखेंगे, ठीक है। या आपका लकि, अगर आपके एक कार्बन आइटम है तो आप मिथ लिखेंगे, और दो कार्बन आइटम है तो आप लिखेंगे इथ, तीन कार्बन आइटम है तो आप प्रॉप लिखेंगे, चार कार्बन आइटम है तो आप ब्यूट लिखेंगे, पांच कार्बन आइटम है पेंट लिखेंगे, छह कार्बन आइटम है, अगर इसकी अगर छह कार्बन आइटम लगी डबल हो जाए इसके तो हेक्स लिखेंगे, सात कार्बन आइटम पे हेक्स, और नौ आठ कार्बन आइटम पे ऑक, नौ कार्बन आइटम पे नॉन, टेन कार्बन आइटम में डेक, और इलेवन में अनडेक, और ट्वेल्व में टू डेक। ये आप नोट कर लीजिए, ये आपसे बहुत काम आएगा, और ये आपको सही से याद रखना पड़ेगा, सीधे से सही से याद कर लीजिए, इसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा ये याद नहीं होगा, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया कि बच्चे की कुछ टीचर्स होते हैं लिखना शुरू कर देते हैं कि ऐसे बना दिया कि ये कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, और ये चार कार्बन का बना दिया, अब पूछे इसका नाम बताओ, अब किसी को पता ही नहीं, पता लिख दिया उसने ब्यूट, और ब्यूट के बाद एन, अभी मैं बता रहा हूँ क्यों लिखा, ब्यूट का सफिक्स में एन लिखते हैं, ब्यूटेन लिख दिया उसने, अब आप देखते हैं कि ब्यूट कैसे हो गया, किसी ने याद नहीं की टेबल, वो कह देगा प्रोफेसर, लेकिन जिसने सही से टेबल याद होगी वो ब्यूट ए नहीं लिखेगा, सर आपके लिखेंगे बोल रहे हो पढ़े लिखे भैया, ठीक है। इसीलिए आपको पहले से वैसे बता दीजिए, पहले सही से याद कर लीजिए, उसके आगे देखिए सफिक्स पे हम लोग देखेंगे, सफिक्स में आता है प्राइमरी, प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, और एक आता है आपका सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है। अब ये आ जाएगा, ये आता है, ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ सफिक्स पर एक बार बना के लिखते, पहला जो हम लोग प्राइमरी सफिक्स देखेंगे, प्राइमरी सर्फेस, प्राइमरी सर्फेस का मतलब ही क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड, बस यही मेन चीज है, ये आपको याद रखना, कैसे आप देखिए, अगर बीच में एक बॉन्ड, मतलब कि एक बना हो, जैसे मैं बनाए दे रहा हूँ, कार्बन कार्बन आइटम है, और ये कार्बन कार्बन आइटम है, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, अगर एक सिंगल बॉन्ड होगा तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एन एन, और इसका फुल फॉर्म होता है एल के, और अगर कार्बन कार्बन आइटम के बीच में अगर आपका कार्बन कार्बन आइटम के बीच में अगर आपका डबल देखिए, एक दो तीन चौथी कॉम्बिनेशन लगा दूंगा, एक दो तीन चार, ठीक है, कार्बन कार्बन आइटम के बीच में अगर आपके डबल बॉन्ड होगा तो आपको ईन लिखना है, ठीक है, एल्कीन, वो लगा होगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन आइटम के बीच में अगर आपके ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो कार्बन आइटम के बीच में आपके ट्रिपल बॉन्ड लिख रहा है, ठीक है, तो आइन लिखेंगे, आइन, एल्काइन, ये होता है प्राइमरी सर्फेस। और एक और था आपका, जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन का मुझे याद आ रहा है,
ये आपका था उसमें क्या बोलते हैं 10th क्लास में था, सैचुरेटेड कार्बन वही होते हैं एल्केन होते हैं जिनका सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है और वो लेस रिएक्टिव होते हैं इसीलिए उन्हें सैचुरेटेड कार्बन कहते हैं। और अगर अनसैचुरेटेड कार्बन में जाएंगे तो अनसैचुरेटेड कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले आएंगे, वो मतलब कि मोर रिएक्टिव होते हैं इसीलिए, और वो अनसैचुरेटेड इसीलिए कहेंगे तो इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है। ठीक है, ये होती है डिफिनेशन वाइज पूछी जाती है एग्जाम में 10th क्लास में आ जाए लिख देगा वरना और क्या है। ठीक है, अभी मैं लिखना ही बता देता हूँ कैसे। ठीक है, अगर जैसे है आपका आपको दे दिया गया CH3, अभी आपको पता ना ये क्या है, आप इसका नाम कैसे लिखेंगे। वर्ड रूट हमेशा पहले आता है और सफिक्स जो होता है उसके पीछे लगता है, तो अगर आपको कोई लिखना भी है तो ये ऐसे लिखा जाएगा वर्ड, मैं छोटा छोटा वर्ड के लिए पूरा लिख रहा हूँ वर्ड रूट, उसके बाद सफिक्स और आगे होता है प्रीफिक्स हमेशा प्रीफिक्स। ठीक है, ये होता है, ये लिखने का तरीका होता है। ठीक है, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, पहले आप वर्ड रूट लिखेंगे तो उसके बाद उसका सफिक्स लगाएंगे और प्रीफिक्स होगा प्रीफिक्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। तो सिंगल बॉन्ड है आपने देख लिया, और इधर कितने कार्बन एटम है आपको केवल वो देख रहा है, दो कार्बन एटम में आपको बताया था मैंने क्या यूज होता है, दो कार्बन एटम में हमेशा एच यूज होता है, तो आप इसे लिख देंगे सीधे इथेन हो गया ये इथेन। ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर ये लिखा होता CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो आप इसे क्या लिखते, दो कार्बन एटम है आपको पता है तो आप इधर इसे सीधे सीधे लिख लेंगे, दो कार्बन एटम और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में हमें बताया था कि इन लगता है इथेन हो गया इथेन इथाइन जो भी। ठीक है, तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपको बस दो कार्बन एटम आपने देख लिए और आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड आइन लगा लेते हैं तो आइन हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे कार्बन एटम तीन होते तो आप इधर प्रॉप लिखते, अगर चार होते तो ब्यूट लिखते हैं, और जैसे जैसे आपको सरफेस में जो दिया होगा वैसे वैसे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या बोलते हैं सेकेंडरी वाला देखते हैं सेकेंडरी सरफेस। ठीक है, सेकेंडरी सरफेस में क्या क्या है, सेकेंडरी सरफेस में बस मेरे आपके फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सरफेस क्योंकि सेकेंडरी सर्फेस से पहले कुछ आपको उससे मतलब की एक एक सबके एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ जो उस वाले में प्राइमरी वाले में थे, जैसे मतलब की CH3 लगा दिया मैंने लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 को हमने कैसे लिखे थे, जल्दी जल्दी लिखा जैसे CH3 CH2 या पहले सिंपल सिंपल से लिखते हैं इतने बड़े बड़े दिन होते सिंपल सिंपल से आप लिखना सीख लीजिए पहले, ये आप लिख लेंगे क्या लिखा, ये आपको कुछ नहीं लिखना, ये आपको चार कार्बन आइटम लिख रहे हैं और सिंगल बॉन्ड कोई डबल बॉन्ड नहीं, तो आपको लिखना है ये ब्यूटेन। ठीक है, और अगर ऐसे अगर पांच का और ये देखिए ये सब हाइड्रोजन लगे हुए हैं सबके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं फिर हाइड्रोकार्बन है सब हाइड्रोजन हर जगह हाइड्रोजन ही लगा है। ठीक है, तो मैं इसको हाइड्रोजन की जगह ये ऐसे लिख सकता हूँ, मैंने कभी ऐसे लिख दिया CH3 CH2 में भी दो हाइड्रोजन लगे CH3 इसके बाद लिख दिया ऐसे ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ, तो आप ये ना समझिए कि पता नहीं क्या लिख दिया हमने समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो फिर ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये ब्यूटेन हो गया, अगर आपको ठीक है सीधा सीधा पूछे तो ये वाला CH3 CH2 CH3। ठीक है, देख लीजिए इसके पास भी चार इसके पास भी चार इसके पास भी चार। ठीक है, तो आपको इसका नाम बताना, कैसे बताएंगे, तीन कार्बन आइटम आपको पता चल गया इसका वर्ड रूट, तो वर्ड रूट तो आपने तुरंत पहले आप वर्ड रूट पे फोकस करेंगे क्या होगा वर्ड रूट, तीन कार्बन आइटम मैंने क्या देखा, तीन कार्बन आइटम मैंने देखा था प्रॉप होगा फिर उसके बाद आप सफिक्स में जाएंगे सीधे, सफिक्स में क्या होगा, अगर सिंगल बॉन्ड था तो हमें क्या करना था, अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या करना है ट्रिपल बॉन्ड, देखा यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो हमें सीधे याद आ गया एन लगाना है। ठीक है, तो बस आप सीधे लिख दीजिए
प्रोटीन, ठीक है ये हो गया, ये है इसका नाम, ठीक है कुछ नहीं करना, बहुत इजी, बहुत आराम से, ठीक है आगे और देखते हैं। CH3, CH2, CH2, पहले ये वाला देख, बताइए इसका क्या होगा, बस आपको देखना है पहले वर्ड रूट क्या लगेगा, वर्ड रूट हम लोग देखेंगे, सबसे पहले वर्ड रूट पे गौर करेंगे, वर्ड रूट पर हमने देखा कि इसमें चार है तो यूज लगेगा, ठीक है हमने लिख लिया, फिर हमने देखा इसमें सिंगल बॉन्ड है तो हमें सीधे सीधे सॉफिक्स में जाएंगे, सॉफिक्स में देखा कि हाँ सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा, एन हमने लिख दिया, सॉरी एन, ठीक है अब हम लोग डबल बॉन्ड का एक देखिए अपने एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड का लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है अब ये आपने देख लिया, ऐसी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना है ये भी बताऊंगा, लेकिन ये इस चीज को अभी स्किप कर रहा हूँ, क्यों स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं कि अगर डबल बॉन्ड इधर आ जाए तो फिर क्या करते हैं, ठीक है तो ये वाला जो क्वेश्चन होगा वो इसके आगे जब प्रैक्टिस सब सीख लेंगे तब ये वाला भी करेंगे, ठीक है तो कोई इसमें वो घबराने की बात नहीं, ये नहीं कर पाएंगे वो, ठीक है तो ऐसी सब्जेक्ट्स के प्राइमरी सब्जेक्ट्स के देखें, अब इसके बाद वाली अगली अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं सेकेंडरी सब्जेक्ट्स और प्रैक्टिस के बता दूंगा, ठीक है वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग कहेंगे दिमाग खा रहा है मेरा, तो मैं ये दिमाग खाने वाला काम नहीं करूंगा, बहुत से लोग करते हैं कि दिमाग खाने लगते हैं, एक वीडियो एक दिन में या दो वीडियो एक दिन में बनाऊंगा और आप देख लीजिएगा, आराम से सीख जाएंगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं सीख पाएंगे, सब सीख जाएंगे उसमें, ठीक है तो इसके बाद वाली जो आएगी सेकेंडरी सब्जेक्ट बताऊंगा उसमें प्रैक्टिस भी बताऊंगा, और उसमें ये चीज भी बताऊंगा कि अगर डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए तो क्या करते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता तो कुछ नहीं, उसके नंबर वाइज हम लोग लिख लेते हैं, जैसे अगर डबल में बताया दे रहा हूँ थोड़ा सा आपको समझ में आएगी ना कि नहीं ये नहीं बता पाएगा ये रस हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया ऐसे लिखा, ठीक है तो मैंने देख लिया 1, 2, 3, 4 कार्बन, ठीक है तो हमने देख लिया सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो हम लोग को सेकंड लिखना पड़ता है, यहाँ पे अगर आपका डबल बॉन्ड सेकंड पे तो हमें ब्यूट 2, 3 ये लिखना पड़ेगा, ये होगा इसका सही नाम, इसीलिए मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि ये चीज आपको सिखानी पड़ेगी, कई प्रॉपर्टीज इसकी लिखानी पड़ेगी तब आप ये भी सीख जाएंगे कि ये क्या है, ठीक है लेकिन कोई वो नहीं है कि आप मैं नहीं बता पाऊंगा ये वो, ठीक है चलिए आप दिमाग खाना बंद करते हैं, आप इसको देखिए और थोड़े से मतलब की एन इन और आइन वाले पे क्वेश्चन देख लीजिएगा बुक से अपनी 10th क्लास के बच्चे, 9th वाले को तो आता ही होगा।